नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 12 Pro 5G versus Vivo Y200e 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12 Pro 5G में 6.36 इंच जबकि Y200e 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 12 Pro 5G में 2.91 इंच जबकि Y200e 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 12 Pro 5G में 0.34 इंच जबकि Y200e 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12 Pro 5G में 190 ग्राम जबकि Y200e 5G में 185.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 12 Pro 5G में 20:1:9 जबकि Y200e 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि Y200e 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ और Y200e 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12 Pro 5G में 90.68% जबकि Y200e 5G में 86.83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y200e 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Y200e 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12 Pro 5G में 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y200e 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Y200e 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12 Pro 5G में Adreno 710 जबकि Y200e 5G में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और Y200e 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो 12 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Y200e 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 12 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y200e 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 12 Pro 5G में नहीं है, जबकि Y200e 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12 Pro 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,849 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,885 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Y200E 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 12 Pro 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए Vivo Y200E 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 12 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है, दूसरा Vivo Y200 Pro 5G है, तीसरा Vivo S19 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco F6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।